आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे, जैसे अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय विकेंद्रीकरण करना, राष्ट्रीय चेतना का अभाव होना, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएँ होना, प्रांतीय शासकों के अत्याचार होना, करों की अधिकता होना। आज हम अशोक के उत्तरदायित्व का अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ विद्वानों ने अशोक की नीतियों को ही मुख्य रूप से उत्तरदायी बताया है। ऐसे विद्वानों में सर्वप्रमुख हैं महोपाध्याय पंडित हरिहर प्रसाद शास्त्री। शास्त्री महोदय ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया है, जिसके फलस्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ तथा मौर्य वंश की समाप्ति हुई। हेमचंद्र राय चौधरी ने उसके तर्कों का विद्वतापूर्ण ढंग से खंडन करने के पश्चात यह सिद्ध कर दिया है कि अशोक की नीतियाँ किसी भी अर्थ में ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। यहाँ हम संक्षेप में दोनों विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। पंडित शास्त्री के मतों के अनुसार अशोक द्वारा पशु बलि पर रोक लगाना ब्राह्मणों पर खुला आक्रमण था, चूँकि वे यज्ञ कराते थे और इस रूप में मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता करते थे। अतः अशोक के इस कार्य से उनके शक्ति तथा सम्मान दोनों को भारी धक्का लगा। इसके अलावा अपने रूपनाथ के लघु शिलालेख में अशोक यह बताता है कि उसने भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया। यह कथन स्पष्ट है ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के विनाश की सूचना देता है। इसके अलावा धम्म महामात्रों ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। एक अन्य जो मत है, अपने पांचवें स्तंभ लेख में अशोक हमें बताता है कि उसने न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दंड समता एवं व्यवहार समता का सिद्धांत लागू किया। इससे ब्राह्मणों को दंड से मुक्ति का जो विशेषाधिकार मिला था वह समाप्त हो गया। चूँकि अशोक शक्तिशाली राजा था, अतः ब्राह्मणों को दबा कर नियंत्रण में रखे रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी राजाओं तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों ने अंत में पुष्यमित्र के नेतृत्व में संगठित होकर अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का काम तमाम कर दिया। हेमचंद राय चौधरी जो ये तर्क दिए हैं, इसका खंडन इस प्रकार करते हैं। पहला, अशोक की अहिंसा की नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थी। ब्राह्मण ग्रंथों में ही अहिंसा का विधान मिलता है। उपनिषद पशु बलि तथा हिंसा का विरोध करते हैं तथा यज्ञों की निंदा करते हैं। मुंडोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ टूटी नौकाओं के सदृश तथा उनमें होने वाले 18 कर्म तुक्ष हैं, जो मूढ़ लोग इन्हें श्रेय मानकर इनकी प्रशंसा करते हुए बारंबार जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शास्त्री जी ने रूपनाथ के लघु शिलालेख की पदावली का अर्थ गलत लगाया है। सिल्वा लेवी ने इसका दूसरा अर्थ किया है, जो व्याकरण की दृष्टि से अधिक तर्कसंगत है। इसके अनुसार इस पूरे वाक्य का अर्थ है, भारतवासी जो पहले देवताओं से अलग थे, अब देवताओं से अपने उन्नत नैतिक चरित्र के कारण मिल गए। अतः इस वाक्य में कुछ भी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। अनेक धम्म महामात्र ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भी नियुक्त किए गए थे। अशोक अपने अभिलेखों में बार बार यह बलपूर्वक कहता है कि ब्राह्मणों के साथ उदार बर्ताव किया जाए। ऐसी स्थिति में यह तर्क मान्य नहीं हो सकता कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची होगी। एक अन्य जो तर्क दिया गया है कि अशोक ने न्याय प्रशासन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से दंड समता एवं व्यवहार समता का विधान किया था। इसका उद्देश्य यह था कि सबको सभी स्थान पर निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि परवर्ती मौर्यों तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ था। यह भी सत्य नहीं है कि अशोक के सभी उत्तराधिकारी बौद्ध थे। जालौक को राजतरंगिणी में स्पष्टता शैव तथा बौद्ध विरोधी कहा गया है। उत्तरकालीन मौर्य सम्राटों के ब्राह्मणों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया हो, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। पुष्यमित्र की सेनापति के पद पर नियुक्ति स्वयं इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन के ऊँचे पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। जहाँ तक पुष्यमित्र सुंग के विद्रोह का प्रश्न है,
इसे हम ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक नहीं मान सकते। सांची, बरहूत आदि स्थानों से प्राप्त कलाकृतियों से पुष्यमित्र के बौद्ध द्रोही होने के मत का खंडन हो चुका है। पुनः एक बड़ा ब्राह्मण विद्रोह होता तो देश के दूसरे ब्राह्मण राजाओं से उसे अवश्य ही सहायता मिली होती। चूँकि मौर्य साम्राज्य अत्यंत निर्बल हो गया था, अतः उसे पलटने के लिए किसी बड़े विद्रोह की आवश्यकता ही नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा बृहदत्त की हत्या एक सामान्य घटना थी, जिसका ब्राह्मण असंतोष यदि कोई रहा भी हो तो इससे कोई संबंध नहीं था। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के मत का खंडन करने के उपरांत रायचौधरी ने स्वयं में अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अशोक की शांति और अहिंसा की नीति ने देश को सैनिक दृष्टि से अत्यंत निर्बल कर दिया और यह यवनों के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ रहा। अशोक के उत्तराधिकारियों का पोषण शांति के वातावरण में हुआ था और उन्होंने भैरुघोष के स्थान पर धम्मघोष के विषय में अधिक सुना था। अशोक ने अपने पूर्वजों की दिग्विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति को अपना लिया। फलस्वरूप सैनिक अभियानों के अभाव में उनकी सेना में निष्क्रियता आ गई तथा उसे धर्म प्रचार के काम में लगा दिया गया। परंतु यदि उपयुक्त मतों का आलोचनात्मक समीक्षा किया जाए तो वे पूर्णतया निराधार प्रतीत होंगे। अशोक यदि इतना अहिंसावादी तथा शांतिवादी होता जितना कि रायचौधरी ने समझा है तो उसने अपने राज्य में मृत्युदंड बंद करा दिया होता। हम यह भी जानते हैं कि उसने कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया और न ही उसने इस युद्ध के ऊपर कलिंग राज्य में पश्चाताप किया। एक व्यावहारिक शासक की भांति उसने इस विजय को स्वीकार किया और इस विषय पर किसी भी प्रकार की अनैतिक आशंका उसे नहीं हुई। उसके अभिलेख इस मत के साक्षी हैं कि उसकी सैनिक शक्ति सुदृढ़ थी। अपने 13वें अभिशिलालेख में वह सीमांत प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को स्पष्ट चेतावनी देता है कि जो गलती किए हैं सम्राट उन्हें क्षमा करने का इच्छुक है, परंतु जो केवल क्षम्य है वही क्षमा किया जा सकता है। जंगली जनजाति के लोगों को अपनी सैनिक शक्ति की याद दिलाते हुए वह कहता है कि यदि वे अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उनकी हत्या करा दी जाएगी। इन उल्लेखों से रायचौधरी के मत का खंडन हो जाता है। पुनः इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सैनिकों की संख्या कम कर दी हो अथवा सेना को धर्म प्रचार के काम में लगा दिया हो। यदि वह अपने सैनिकों को धर्म प्रचार के काम में लगाता तो इसका उल्लेख गर्व के साथ वह अपने अभिलेखों में करता। अतः ऐसा लगता है कि अशोक ने इसलिए शांतिवादी नीति का अनुकरण किया कि वह उसके साम्राज्य की बाहरी सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थी। देश के भीतर भी शांति एवं व्यवस्था विद्यमान थी। केवल एक सबल प्रशासन के अधीन ही इतना विशाल साम्राज्य इतने अधिक दिनों तक व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता था। यदि अशोक सैनिक निरंकुशवाद की नीति अपनाता तो भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होता और उस समय उसके आलोचक सैनिकवाद की आलोचना कर उसे भी साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बताते, जैसा कि सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी आदि सैनिकवाद के उच्च पुरोहितों के विरुद्ध आरोपित किया जाता है। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य तथा निर्बल हुए तो इसमें अशोक का क्या दोष था? इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अशोक को किसी भी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मौर्य साम्राज्य का पतन स्वाभाविक कारणों का परिणाम था, जिसका उत्तरदायित्व अशोक के मथे मरना उचित नहीं होगा। राधा कुमुद मुखर्जी का कथन वस्तुतः सत्य है कि यदि अशोक अपने पिता और पितामह की रक्त तथा लोह के नीति का अनुसरण करता तो भी कभी न कभी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होता। परंतु सभ्य संसार के एक बड़े भाग पर भारतीय संस्कृति का जो नैतिक आधिपत्य कायम हुआ, जिसके लिए अशोक ही मुख्य कारण था, शताब्दियों तक उसकी ख्याति का स्मारक बना रहा और आज लगभग 2000 से भी अधिक वर्षों की समाप्ति के बाद भी यह पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ।
इस प्रकार हम अशोक को जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते, बल्कि ये जो सारे सम्मिलित कारण थे उनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।